Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing atoms and molecules. पिछली क्लास में हमने बात किया था कि एटम्स है क्या और मॉलिक्यूल्स क्या है और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने सीखा था कि क्या है ये सारा. सबसे पहले एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने क्या कब उसके बारे में क्या पॉजिटिव बातें कही और एटम नाम कैसे पड़ा, ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में सीखा था. अब हम सीखते हैं एटम के बारे में, थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि एटम क्या है और उसकी किस तरह की टेंडेंसी है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारे बातें सीखते हैं. समझ लीजिए कि एटम जो है वो जितनी भी सब्सटेंस आपके आसपास है, चाहे कुछ भी हो, जैसे आपके आसपास ये पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों में सब एटम से ही बना है. तो जितनी भी सब्सटेंस है वो सब के सब एटम से बना है. एटम बेसिक पार्टिकल है जिससे कि सारी सब्सटेंस बनी है. जैसे कि घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले ईंट होता है, ईंट से मिलके दीवार बनता है, दीवार से मिलके कमरे बनते हैं, कमरे मिलकर के कई सारे कमरे मिलकर के घर बनाते हैं. उसी तरह से ये एटम्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल कई सारे मिलकर के डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है जो कि आप मिल करके और किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं सकते. अब सवाल यह है कि जो इतना छोटा है उसको इग्नोर क्यों नहीं मारते हो, उसको क्यों इसके बारे में इतनी बात हम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं इग्नोर किया जाता. तो ये इसलिए कि सब्सटेंस जो बना है अगर उसको इग्नोर कर दोगे तो ये सब्सटेंस बनेगा ही नहीं. जैसे कि एक एक नंबर अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको 100 नंबर कभी नहीं आ सकते. अगर आप छोड़ने लग जाओ कि ये 2 नंबर का इसको छोड़ देते हैं, 3 नंबर का इसको छोड़ देते हैं, पता चला कि पूरा पेपर ही छूट गया, कुछ बचा ही नहीं. तो उसी तरह से हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. एक एक नंबर को जैसे इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम के इंटरवल में, उसी तरह से हम सब्सटेंस के कंसर्न में एटम को इग्नोर नहीं कर सकते. एटम बहुत छोटा होता है. इतना कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते और उसको माइक्रोस्कोपिक विजन में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें देखने के लिए देखने पर पता चलेगा. तो एटम जो है बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है और इतने छोटा कि आप ये समझ सकते हैं कि 10^-10 मीटर एटॉमिक साइज होती है. एक एटम की साइज 10^-10 मीटर होती है. तो ये बहुत छोटा है और इतना छोटा है. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एन एटम. तो एटम क्या है, जैसा कि हमने कहा है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सब्सटेंस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल सब्सटेंस, ऑफ ऑल सब्सटेंस. सब्सटेंस ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में लिखवा दिया था आपको, तो आप ये लिख सकते हैं, बट ये समझ सकते हैं कि ये होता है. साइज ऑफ एटॉमिक साइज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के एक एटम का जो साइज होगा उसको एटॉमिक साइज कहते हैं. हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है. एक जो सैंड का जो पार्टिकल होता है उसकी साइज होती है, साइज ऑफ सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल इज ऑलमोस्ट 10^-2 मीटर होती है, यानी 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1/100 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर सैंड पार्टिकल की साइज होती है. और अगर वाटरमेलन की बात करें, साइज ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर का, यानी 10^-1 मीटर का. तो इस तरीके से ही कंपेरेटिव स्टडी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अंदाजा लग सके कि इसके मुकाबले 8 गुना और छोटा, यानी इससे 8 गुना पावर में, यानी 1/10^8, इतना इसके मुकाबले ये छोटा है. तो इस तरीके से ये साइज के हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है. जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उनमें अगर हम कैलकुलेशन करें, उनमें हम अगर ऑब्जर्वेशन करें, तो ये बहुत छोटा होता है.
अब ये तरह तरह के एटम जो थे, इन एटम्स के बारे में थोड़ा डिटेल बात करने के लिए, जो बहुत सारे एटम हो गए आपके घर में, चाहे आप किसी के घर में भी अगर दो चार बच्चे हैं तो सबका नाम रखते हैं, घर में नाम रखा जाता है ना, चिंकू पिंकू रिंकू मीना लीला लाइक दिस, इसलिए ताकि उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके, उनको पता किया जा सके कि अलग अलग ये लोग हैं, इसलिए उनका नाम रखा जाता है। वैसे ही जब बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम पता चलने लग गए तो उनका नाम रखने की बारी आई। अब नाम भी रखने के लिए किसी का नाम होता है, मान लीजिए जैसे लिख दिया जाए कि रामा स्वामी सुब्रमण्यम, तो अब उसको इतना ज्यादा लंबा घर में तो नहीं बुलाएंगे ना, कि इतने लंबे लंबे नाम से बुलाएंगे। इसी तरह से किसी का नाम होता है कि प्रकाश चंद्र भारद्वाज और सारस्वत लाइक दिस, तो उसको इतना ज्यादा नहीं बोलते, उनको पीसी पीसी बोलते हैं कि प्रकाश चंद्र को पीसी बोल दिए, या घर में आपके नाम होते हैं गोलू मोलू भोलू और इस तरह से, तो इस तरीके का छोटा सा एक नाम रखना होता है। अब एलिमेंट्स का भी नाम रखने की जब बारी आई तो उनको कहा गया कि इनका एक छोटा नाम होना चाहिए, एक छोटा सिंबल होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हम इस एलिमेंट की बात करते हैं। सबकी बड़ी बड़ी नाम कैसे पता करेंगे, बड़ी बड़ी नाम लेके बार बार क्यों बुलाएंगे, और कैसे हम उसे केमिकल रिएक्शंस में बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे, तो मुश्किल होगी, क्योंकि कई एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर उनके सारे के पूरे नाम लिखे लिखे जाएं तो मॉलिक्यूल का नाम बहुत बड़ा होगा और उसको लिखने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हर एक एटम्स को एक सिंबल दिया गया और उस सिंबल के आधार पर उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, यानी किसी भी एटम को आप डिनोट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया गया। इनिशियली जो जॉन डाल्टन ने सिंबल का इस्तेमाल किया था वो उसकी वर्चू के आधार पर था, और उन्होंने जैसे गोल्ड को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, या इस तरीके के हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन बाद में इसको बर्जिलियस और जा रहे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर केमिस्ट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तय करते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी एटम का जो पहला इनिशियल होगा नाम का, उसको हम उसका सिंबल मान लेंगे। अगर एक ही नाम के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं, जैसे कि बोरोन है तो बी लिख दिया, लेकिन अब बेरिलियम भी आ गया तो आप क्या करें, उसको भी बी लिखें, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने बोरोन के बदले लिखा है जी, कि बेरिलियम के बदले लिखा है, कि ब्रोमिन के बदले लिखा है। तो बेरिलियम बोरोन और बेरियम भी होता है, तो बेरिलियम बेरियम बोरोन ब्रोमिन ये सब बी से शुरू हो रहे हैं, तो किसके लिए बी इस्तेमाल किया जाए, तो किसी एक के लिए बी इस्तेमाल किया गया, कि बोरोन को बी कह दिया गया, जो पहले आओ पहले पाओ, बाद में उसके बाद जो आए उनका दो अल्फाबेट इस्तेमाल किया गया, पहले का कैपिटल लेटर और दूसरे का स्मॉल लेटर, दूसरा जो लेटर है उसका स्मॉल फॉर्म और पहले का कैपिटल फॉर्म। इस तरीके से बेरियम को क्या कहा गया, बी ए कहा गया, ठीक है ना, ब्रोमीन को का क्या कहा गया, बी आर कहा गया। तो एक जो इम्पोर्टेंट उसमें प्रोनाउंस जिसके हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसकी हो रही है, जिस प्रोमिनेंट लेटर का, जो डोमिनेंट कैरेक्टर का है, वो स्मॉल लेटर और पहले दो ले लिए गए, एक कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में, तो उनको कहा गया सिंबल। सो एटम के सिंबल्स होते हैं, सिंबल ये हो गया सिंबल, सिंबल का मतलब हो गया कि जिससे उनको पहचाना जाए, जैसे आ कंपनी में लोगो होते हैं, लोगो से कंपनी का, नाइकी का शूज आप देख रहे होंगे तो नाइकी का एक लोगो है, लोगो देख के ही आपको पता चल जाता है कि नाइकी का है कि रिबॉक का है कि किसका है, कि वुडलैंड का है, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए पूछने नहीं पड़ते। तो इसी तरह से सिंबल लिखा गया, सिंबल में कहा गया कि जो पहला अल्फाबेट है उसको कार्बन, जैसे कार्बन तो इसको कहा गया सी, पहले मिला बोरोन, बोरोन को कहा गया बी, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहा गया एच, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ हैं जिनके सिर्फ एक ही अल्फाबेट कैपिटल लेटर में इनके सिंबल हो गए, लेकिन जहां पर एक से ज्यादा मिले, एक नाइट्रोजन का, जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन मिल गया तो उसको कह दिया एन, नाइट्रोजन का सिंबल हो गया एन, लेकिन उसके बाद जैसे सोडियम मिला तो सोडियम के लिए सोडियम आया, या क्लो, सबसे पहले अभी बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन आ गया तो क्या करेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन में उसमें सिंबल लगाया गया Cl, दो अल्फाबेट, सी बड़ा और एल छोटा, सी बड़ा और एल छोटा। इसी तरह से कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या कहा गया,
उसको कहा गया सीएल, कोबाल्ट, कोबाल्ट ठीक है। अब चूंकि सी इस्तेमाल हो चुका है यहाँ कार्बन के लिए, इसलिए कोबाल्ट के लिए सी इस्तेमाल, सी ओ इस्तेमाल किया गया ठीक है ना। इस तरह से कैडमियम के लिए सी डी इस्तेमाल किया गया, कैडमियम। तो इसमें डी प्रोमिनेंट है और सी, पहले का सी कैपिटल दूसरे का डी, कैडमियम जो हो गया ये हो गया सी से शुरू होने वाले। तो कहने का मतलब ये है जैसे बोरोन हो गया बी के लिए, तो अब ब्रोमीन जो होगा वो क्या होगा, तो ब्रोमीन के लिए उन्होंने सिंबल दे दिया ब्रोमीन के लिए बी आर ठीक है। बेरियम, बेरियम के लिए क्या दे दिया, बेरियम के लिए दे दिया बी ए सिंबल ठीक है ना। बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम अब ये हो गया बी ई ठीक है। तो आप में भी सोच रहे होंगे कि बेरिलियम तो फोर है ही, पहले आता है बोरोन उसके बाद में आता है, तो क्यों नहीं पहले बेरिलियम को बी कहा गया और बोरोन को कुछ अलग कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी डिस्कवरी इसके बाद में हुई थी इसलिए इस तरह के नाम लिए गए। ये सब जगह पे, जिस जगह पे मिले, पहली चीज ये थी कि नाम कैसे रखा जाए, नाम रखने के पीछे कुछ लॉजिक होनी चाहिए। तो पहली लॉजिक ये दी गई कि जहां पे जो पहली बार में मिला है उस जगह के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रखना चाहिए। जैसे साइप्रस में कॉपर मिला सबसे पहली बार, तो इसका नाम रख दिया कॉपर, साइप्रस ठीक है। तो साइप्रस में, साइप्रस में कॉपर मिला, साइप्रस में कॉपर मिला सबसे पहले, तो इसलिए इसका नाम रख दिया सी से कॉपर, कॉपर ठीक है, इसका नाम रख दिया उस एलिमेंट का कॉपर। इसी तरीके से कुछ का नाम कलर के आधार पर रखा गया, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड, चूंकि गोल्ड का मतलब होता है इंग्लिश में येलो, अब चूंकि येलो था इसलिए इसका नाम रख दिया गोल्ड और इसका सिंबल हो गया जी। कुछ ऐसे सब्सटेंस हुए जिसका नाम उनके नाम से थोड़ा डिफरेंट रखा गया, जैसे आयरन, आयरन का नाम आयरन का नाम, आयरन का सिंबल Fe रखा गया, इसलिए कि Fe चूंकि इसका जो बेसिक लैटिन वर्ड है जिससे बना हुआ है वो है फेरस, तो फेरस का Fe लिया गया। इनके आयरन हमारा इंडियन नाम है जिससे हम बुलाते हैं इसको, इसका असली नाम फेरस। तो यहाँ देखिए कि कॉपर जो है वो सी ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसका सिंबल जो रखा गया वो सी यू रखा गया, ये सब इसी लैटिन वर्ड के नाम से ही है। गोल्ड का जी सिंबल पहले रखा था लेकिन अब उसको रखा जाता है ए यू। इसी तरह से सिल्वर का जी ए जी सिंबल है, टीन का एस एन है सिंबल, तो ये कुछ डिफरेंस है राइट ना। पोटेशियम का के है, पोटेशियम, जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि इनके ग्रीक वर्ड की वजह से है, तो के रखा गया सिंबल। सोडियम, सोडियम का क्या रखा गया, सोडियम का Na, तो ये इनके शुरू के अल्फाबेट से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन इनके सिंबल जो है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से भी कुछ एलिमेंट्स का सिंबल रखा गया जिसको कि हम समझते हैं। सो नाउ वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द एटॉमिक मास, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। We are going to measure the atomic mass. What is atomic mass and how it can be measured? Initially, सबसे पहले क्या हुआ कि हाइड्रोजन को लोगों ने लिया कि ये स्टैंडर्ड एक यूनिट हो जाए, इसके मास को हम स्टैंडर्ड यूनिट मान लें। मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसकी मास को कैलकुलेट किया जा सकता है अभी, तो एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड माना गया और उसके कई गुना होने से, जैसे डबल हुआ उसको टू, जो थ्री टाइम्स है उसको थ्री, जो 4.5 टाइम्स है उसको 4.5, ऐसे एटॉमिक मास बनाने की योजना शुरू की गई और मनाया भी गया, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो थोड़ा, अभी जाकर के 11th में आप पढ़ेंगे उसके डिटेल्स, थोड़ी स्टडी है कि क्यों नहीं उसको लिया गया। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन का मास जो होता है 1.008 होता है, इसलिए उसको रिजेक्ट करके और ऑक्सीजन को मेजर किया जाने लगा, लेकिन ऑक्सीजन की भी मास जो होती है वो 15.999 होती है, इसलिए 1/16 उसका एक्यूरेटली 1 नहीं होता, उनसे थोड़ा कम होता है। और थोड़ा कम का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो अमाउंट और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा कम होते 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 लाखों जहां एटम्स हैं वहां उसका कम हो जाएगा, इसलिए उससे भी हमने उसको रिजेक्ट किया। तब आया एग्जैक्टली एक कार्बन आइसोटोप्स जिसकी एटॉमिक मास जो होती है वो 12 होती है, उसका 1/12, 12th का 1/12 कितना होगा 1, उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया
और उसको आज हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक यूनिट जो किसको मेजर करता है, एटॉमिक मास को मेजर करता है, इसलिए उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको AMU कहते हैं। अभी ज्यादा उसको बेहतर तरीके से AMU के बजाय सिर्फ यू लिखते हैं, यू का मतलब यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, लिखिए, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास। कहानियां तो जो बताई वो सारी लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखिए कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर, इट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है, C12, वन एटम ऑफ C12। तो ये इससे दिखाता है वन एटम ऑफ C12 मतलब 1/12 का 12th कितना हो जाएगा, 12th का 1/12 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1। सो दैट इज व्हाई दिस इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसे प्यार से AMU कहते हैं। तो कार्बन का अगर हम कहें कि मास कितना है तो 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसके आधार पे हमने कैलकुलेट किया कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, इट मींस इट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ 1/12 ऑफ C12, ठीक है, ये वन एटम ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12, वैसे लिखे तो ज्यादा बेहतर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे 1.008 को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इफ समवन से दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सपोज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स वन मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इट मीन्स इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ C12।